Hey guys, welcome to Mission IAS. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एज ऑफ मौर्यांस. तो इसमें हम कुछ मौर्यान किंग देखेंगे दैट वेर इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट, उनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे और उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके बाद इकोनॉमी, थोड़ा आर्ट और कल्चर भी देख लेंगे और इसी के साथ वहाँ की सोसाइटी. तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, बस उतना ही देखेंगे जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि हम हर वीडियो में हर टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, तो इस वीडियो में भी वही करेंगे. तो वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मैं बताने वाला हूँ जो शायद आपको दूसरी कई और नहीं मिलेंगी. ओके, सो वेरीफाइड सोर्सेस से वेरीफाई करके इन्फॉर्मेशन ली है, आसान तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द वीडियोज यू विल गेट डायरेक्टली. तो गाइज शुरू करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ दिस मौर्या डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. तो चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है तो फाउंडर किंग है. ओके, चंद्रगुप्त मौर्य इज फाउंडर ऑफ दिस मौर्यन डायनेस्टी और इसके इसका एक्सपेंशन करने का जो तरीका था अपने स्टेट का, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिमोनियल अलायंसेस. अब मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी स्टेट के प्रिंसेस से ये लोग शादी कर लेते थे. ओके, फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकेटर, आई राइट हियर सेलेकस निकेटर, ये जो है तो ग्रीक सरदार था. ओके, ग्रीक सरदार उस टाइम का. सो तो इसने, चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड टू डॉटर ऑफ दिस सेलेकस निकेटर, और फिर यहां से मैट्रिमोनियल अलायंसेस से इस तरफ की, इस तरफ का धोखा खतरा अपने स्टेट को उसने खत्म कर दिया और इनके साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश किए. इसी के साथ जब इनके रिलेशन अच्छे हुए तो फिर इस सेलेकस निकेटर ने अपना एम्बेसिडर, जिसका नाम था मेगाथेंस को इस चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया, कोर्ट में भेज दिया अपना एम्बेसिडर बना के. उसके बाद ग्रीक राइटर जस्टिन जो है, जस्टिन इज ए ग्रीक राइटर ऑफ दैट टाइम, तो उसने कहा, उसने जो है तो इसको सैंड्रोकोटस बोला है. क्या कहा है? सैंड्रोकोटस. तो इस नाम से इसको उसने अपने बुक में, अपने वर्क में उसे रेफर किया है. तो देर इज नथिंग टू मच टू नो अबाउट हिम, चंद्रगुप्ता. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट किंग दैट वाज योर बिंदुसारा. अब बिंदुसारा एक सेकंड इंपॉर्टेंट किंग है. बिंदुसारा की अगर बात करोगे तो वो सन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य. ये चंद्रगुप्ता का सन था. उसके बाद उसको अमित्र गाथा ऐसे भी कहा जाता है. अमित्र गाथा मीन्स स्लेयर ऑफ एनिमीज बाय द ग्रीक्स. ग्रीक्स इसको अमित्र गाथा इस नाम से रेफर करते हैं. जैसे कि यहा, यहा ग्रीक राइटर ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है? सैंड्रोकोटस. उसी तरह या बिंदुसारा को अमित्र गाथा कहा है. देन इसके पीरियड में, दिस बिंदुसार, इन द रीजन और इन द पीरियड ऑफ बिंदुसार अगेन ग्रीक एम्बेसेडर, हिज नेम वॉज डेमाकस. तो फिर अब पहले टाइम में, चंद्रगुप्त के टाइम में आपने देखा तो मेगाथेंस था, और इसके टाइम में जो ग्रीक एम्बेसेडर आया तो उसका नाम था डेमाकस. तो ये कुछ इसके बारे में दो चीजें आपको याद रखनी है. देन अगेन द थर्ड इम्पॉर्टेंट किंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग, इस मौर्य डायनेस्टी का, दैट वॉज योअर अशोका मौर्य. सो दिस वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए, बहुत सारे काम भी किए अच्छे. देयरफॉर ही इज रिमेम्बर्ड इवन टुडे एज अ ग्रेट किंग, ग्रेट एम्परर. तो इसके बारे में भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे. इसको
उस समय ओके इसको क्या कहा जाता था, आई राइट हियर, इसको देवा प्रिया प्रियदास, ओके आई राइट देवा देवम प्रिया, ओके देवम प्रिया प्रियदासा, इसको इस यू नो ए काइंड ऑफ यू नो ए काइंड ऑफ डेजिग्नेशन, ओके, और इसको इस प्यार से भी इस नाम से बुलाते थे, ओके, इवन जैसे कि एज यू नो कि महाराजाधिराज, ओके, दिस काइंड ऑफ टाइटल या वी कैन से, तो इसको ये भी टाइटल था देवम प्रिया प्रियदास, तो इसका मतलब होता क्या है, डियर टू गॉड, ओके डियर टू गॉड्स, तो ये यू नो गॉड्स का पसंद आदमी उसको कहा जाता है देवम प्रिय प्रियदास, तो इसके अच्छे काम देखते हुए इसे ये टाइटल मिला था। इसी के साथ इसने एक विक्टोरियस वॉर लड़ा था उस समय विद कलिंगा, ओके, इसी वार का इम्पैक्ट उसके ऊपर हो गया और फिर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज मेनी लैक ऑफ मिलिट्री वॉज किल्ड एंड लैक्स ऑफ वेर अरेस्टेड, ओके, तो बहुत सारा खून खराबा उस वक्त हुआ था कलिंगा वार में, वेरी प्रोमिनेंट वॉर इन द हिस्ट्री, तो इसी के चलते अशोक को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फिर ये सब चीज़ें ये वार झगड़ा सब छोड़ने का डिसीजन लिया और फिर प्यार से अपना जो है तो रुतबा बढ़ाया, ओके, और प्यार से एक्सपेंशन करना शुरू किया, इवन ज़्यादा उसने इसके बाद इस वार के बाद ज्यादा एक्सपेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ जो था उसी को उसने सेव करने में कंजर्व करने में ज्यादा ध्यान लगा दिया। देन ही फॉलोड, ओके, उसने फिर मैंने जैसे कि आपको बताया बुद्धिज्म, ओके, बुद्धिस्ट साधु वो बन गया, तो बुद्धिज्म उसने एक्सेप्ट किया था, तो बुद्धिज्म किसके दायरे में किसके अंडर में उसने एक्सेप्ट किया था, तो उस मॉन्क का नाम है उपगुप्ता, और इसे आप इवन क्या कह सकते मोगली पुत्र टिस्सा, ऐसा भी इसका नाम था मोगली पुत्र टिस्सा, तो इसके अंडर में इसके अध्यक्षता में इसने अशोका ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद यहाँ से यू नो काइंड ऑफ पैटर्नल किंगशिप शुरू हो गई, ओके, चंद्रगुप्ता का बेटा फिर बिंदुसार आ गया, बिंदुसार का अशोक, देन अशोक का फिर कुछ ऐसे, एंड इफ यू से द स्पेशलिटी ऑफ दिस किंग, इफ यू वांट टू टॉक दैट ही वाज द फर्स्ट किंग टू टॉक विथ हिज पीपल डायरेक्टली, टू टॉक पीपल डायरेक्टली, जिसके आपको जैसे पता है इंस्क्रिप्शन होते थे उसके, ओके, डायरेक्टली, तो इंस्क्रिप्शन के हिसाब से इंस्क्रिप्शन में अपनी वो ऑर्डर्स कुछ लिख दिया करता था और इंस्क्रिप्शंस को जगह जगह लगा देता था, तो फिर इसके थ्रू अपनी कमांड्स अपनी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता था, देयरफॉर ही वॉज द फर्स्ट किंग टू टॉक पीपल डायरेक्टली। देन अगेन ही सेंट हिज सन, ओके, हिज सन्स नेम वॉज महेंद्र and his daughter was Sangamitra, okay, तो इसने उन्हें श्रीलंका को भेज दिया था। श्रीलंका में क्यों भेजा, तो उनके साथ उसने ओरिजिनल बोधि वृक्ष की जो ब्रांच है तो उस ब्रांच को श्रीलंका में प्लांट करने के लिए भेज दिया था। देन अगेन इंपॉर्टेंट वर्क दैट ही डीड, ही कन्वेड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल उसने उस समय अरेंज की थी, कहाँ पर, एट पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा में उसने ये कन्वेंशन यानी ये काउंसिल जो है तो ऑर्गेनाइज की थी। देन ही वी फाइंड, हमें उसके अभी तक 44 रॉयल ऑर्डर्स मिले, ओके, जिसको जिसकी द हेल्प से वो लोगों से जो है तो व्हाट वी कैन से कम्युनिकेशन करता था या फिर कांटेक्ट कर पाता था, तो 44 रॉयल ऑर्डर्स मिले हैं। इनके बारे में अगर आप पूछोगे तो फर्स्ट ओके रॉयल ऑर्डर किसने खोजी थी, तो हिज नेम वॉज जेम्स प्रिंसेप, दिस वॉज यू नो, तो इसने जो है तो इन 1837 में इसे खोज निकाला था, उसको फर्स्ट इंस्क्रिप्शन मिला था, जेम्स प्रिंसेप को फर्स्ट इंस्क्रिप्शन मिला था और उसने खोज निकाला था इस सम्राट अशोक के बारे में। इंस्क्रिप्शन की अगर थोड़ी बात करूंगे तो यू वुड फाइंड दैट ऑल द इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन प्राकृत एंड ब्राह्मणी, ओके, तो ब्राह्मणी यू नो काइंड ऑफ स्क्रिप्ट,
तो ये स्क्रिप्ट आपको मिलेंगी। इवन कुछ नॉर्थ वेस्ट साइड जो है इंडिया की, ओके, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ आपको खरोष्ठी स्क्रिप्ट मिलेगी, ओके, खरोष्ठी। तो इस स्क्रिप्ट में भी उसका कुछ हमें मिलता है, ऑर्डर्स उसके देखने को मिलते हैं। और इसके डेथ के बाद जो उसका किंगडम था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न। इस दो हिस्सों में उसका किंगडम उसके डेथ के बाद डिवाइड हो गया। तो चलो आते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन की ओर। अब उसके एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छी तरह से सुधार हुआ था, ओके। तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसको हेल्प करने के लिए कुछ लोग हुआ करते थे। तो उन लोगों में सबसे पहले जो था तो कौटिल्य था, ओके, चाणक्य, यू नो चाणक्य वेरी वेल, और कौटिल्य। तो ये काफ़ी होशियार बंदा उसके पास था, यू नो, जब उसने खुद इस्टैब्लिश किया था, ओके, इस डायनेस्टी को इस्टैब्लिश किया था, तो वो चाणक्य के ही हेल्प से इस्टैब्लिश किया था। तो मेन माइंड जो था तो वो चाणक्य यानी कौटिल्य का था। तो फिर उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में चंद्रगुप्त मौर्य को कम से कम, ओके, तो इसने मदद की थी, चाणक्य ने उसे मदद की थी। इसी के साथ उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, काउंसिल थी उसके पास मिनिस्टर की, जिसे उसने मंत्रिपरिषद कहा था, ओके, वी कॉल्ड इट इवन मंत्रिपरिषद। तो उसके हेल्प करने को मंत्रिपरिषद थी उसको। और फिर इस मंत्रिपरिषद में पुरोहित हुआ करते थे, ओके, पुरोहित हुआ करते थे, फिर महामंत्री हुआ करते थे, इसी के अलावा सेनापति हुआ करते थे, देन युवराज बोले तो उसका खुद राजा का बेटा, ओके, तो इवन युवराज भी वहा हुआ करता था। तो ये सब लोग मिलकर जो है तो किंग को, ओके, किंग को मदद किया करते थे। देन किंग को खुद धर्म परिवर्तक कहा जाता था, आई राइट हियर धर्म परिवर्तक। तो उसे धर्म परिवर्तक कहा जाता था। और अलग बात, ओके, द स्पेशल थिंग ऑफ दिस पीरियड और दिस डायनेस्टी वॉज दैट ऑल द फंक्शनरीज वेयर बीइंग पेड इन कैश। तो जमीन जो है तो देना, ओके, फ्यूडलिज्म और ग्रांट्स देना, तो ये सब चीजें इसने बंद कर दी थी। तो यहाँ पेमेंट जो है तो कैश में किया जाता था, वो मंत्री हो या फिर छोटा सा कोई कामगार हो। तो हाईएस्ट पेमेंट की अगर बात करोगे तो अराउंड 44,000, ओके, 44,000 पानाज। अब ये पानाज क्या है, उस टाइम की करेंसी का नाम है पानाज। तो पानाज वहाँ की करेंसी थी। तो हाईएस्ट पेमेंट शायद मंत्री को दिया होगा इतना पेमेंट उन्होंने, 44,000। उसके बाद जो है तो लोवेस्ट पेमेंट जो की अगर बात करोगे तो हमें कई जगह पे मिलता है 60 पानाज, ओके, लोवेस्ट पेमेंट, और हाईएस्ट ये वाला। और फिर इवन इससे भी लोवेस्ट हमको देखने को मिला है, जैसे कि वेरी छोटे 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 एम्प्लॉय होते थे जिनको 10 to 12 पानाज भी दिए जाते थे, ओके। तो ये मोस्ट लोवेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो दिस वाज आल्सो सिचुएशन। नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमी। तो अब बात करते थोड़ी इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी में क्या कंडीशन थी उस समय। तो इकोनॉमी इस पीरियड की काफी अच्छी थी, ओके। तो जो इम्पोर्टेंट आदमी था और जो पर्सन था उसको कहा जाता था समहारता। तो ये क्या करता था, समहारता, जो भी रिवेन्यू रिलेटेड इश्यू है और रिवेन्यू रिलेटेड वर्क, तो रिवेन्यू के संदर्भ के सारे काम ये करता था, जिसमें रिवेन्यू कलेक्ट करना, ओके, फिर रिवेन्यू किधर से कहाँ से कितना आ रहा है इसका हिसाब रखना। सो दिस काइंड ऑफ वर्क ही यूज टू डू। और फिर इसके बाद और एक इकोनॉमिक पर्सन था और अधिकारी था जिसको समीधाता कहा जाता है, ओके, आई राइट हियर समीधाता। अब समीधाता का काम क्या था, रॉयल ट्रेजरी, ये रॉयल ट्रेजरी को ध्यान रखता था, ट्रेजरी में क्या आ रहा है क्या जा रहा है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ही यूज्ड टू डू हियर। उसके बाद इसी के साथ इसके पास स्टोर हाउसेस का और स्टोरेज सिस्टम का भी जो है तो काम दिया हुआ था। और हमें फिर वहां पे 27 सुपरिंटेंडेंट्स, ओके, सुपरिंटेंडेंट्स भी हमें वहां पे मिले हैं जिनको अध्यक्ष कहा जाता है। तो ये भी इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज देख लिया करते थे। तो कुछ इस तरह से ये सब मिला के, ये पूरा पैनल मिलके इकोनॉमी देखता था उस समय के स्टेट की,
देन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री स्लेव्स वेयर वर्क्ड इन एग्रीकल्चर, तो कुछ स्लेव को भी यहाँ कुछ अच्छा काम करने को चांस मिला था, ओके okay? तो वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ओके तो यहाँ स्लेव को कुछ अच्छी तरह से काम दिया गया था। उसके बाद कुछ रॉयल रोड्स भी यहाँ बने हुए थे, आपको देखने को मिलेंगे रॉयल रोड्स, जिसमें फर्स्ट रोड जो था तो वो था पाटलिपुत्र टू नेपाल। अब इन सब रोड की वजह से उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, अपना गुड्स मटेरियल्स दूसरी ओर पहुंचाना जो है तो आसानी से पॉसिबल हो चुका था। इसी के चलते वैशाली टू चंपारण, तो ये भी उस समय का एक अच्छी तरह से राजमार्ग था। और फिर इसी के चलते इस समय का ट्रेड एग्रीकल्चर में सरप्लस हो रहा था, ओके एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था एज इवन सब पावर जो है तो अब यूज में आ रही थी, ओके स्लेव भी काम करने लगे थे, तो फिर ट्रेड के लिए इनके पास काफी मटेरियल गुड्स भी हुआ करता था। तो ये रास्तों की वजह से काइंड ऑफ यू नो फैसिलिटी हो गई उनको कि आसानी से वो अपना माल किसे पहुंचा सके। इसके बाद इन्होंने असेसमेंट ऑफ लैंड, ओके असेसमेंट आई राइट हियर असेसमेंट ऑफ लैंड को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया और उसी के हिसाब से वो टैक्स रिवेन्यू वगैरह उस समय लगाते थे। वी फाइंड सम पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो ये पंच मार्क्ड कॉइन्स पर किसकी फोटोज होती थी, किसका सिंबल होता था, कुछ पिकॉक्स हुआ करते थे। अगेन यू फाइंड सम हिल्स, ओके हिल्स वगैरह, तो ऐसी कुछ फोटो उनके उसके ऊपर होती थी और ये राजेशाही करेंसी थी, ओके इम्पेरियल, राजा इसे छपाता था या इश्यू करता था। अगेन यू वुड फाइंड दैट कारभार, ओके इसका कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से शुरू था जिसमें जुडिशियरी का भी कुछ हमें डिटेल मिल जाती है। तो जुडिशियरी में सब में हाइएस्ट ऑफिसर जो हुआ करता था तो उसे कहा जाता था धर्माधिकारी, तो धर्माधिकारी सब में हाईएस्ट ऑफिसर इनका हुआ करता था। उसके बाद में जो ऑफिसर आता था तो उस ऑफिसर को क्या कहते थे, अमात्याज, ओके अमात्याज उसे कहते थे, राइट हियर अमात्याज, एंड ही वाज सबॉर्डिनेट, ओके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स दैट वेर ऑल वेर अंडर अमात्याज एंड जेल अंडर अपॉइंटेड ऑफिसर्स, तो जेल के लिए भी वहाँ ऑफिसर्स हुआ करते थे। सो दिस काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम वॉज देयर। अब उसकी थोड़ी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते तो उसके प्रोविंसेस को जो है तो राइट हियर प्रोविंसेस, उसको चार डिविजन में डिवाइड किया गया था, ओके सो फर्स्ट यू वुड फाइंड दैट तक्षशिला वॉज देयर, देन सेकेंड वॉज योर उज्जैन, उज्जैन को भी जो है तो पार्ट था उसका। उसके बाद थर्ड में आप देखेंगे सुवर्णगिरी और फोर्थ जो था तो वो था कलिंगा। तो कुछ इस तरह से काफी बड़ा होने की वजह से, ओके साउथ में आप देखोगे डेक्कन तक उसका मगध का साम्राज्य था, तो यू नो इतना बड़ा कुछ करना तो उसे प्रोविंसेस में डिवाइड करना जरूरी था, देयरफॉर ही डिवाइडेड हिज स्टेट इनटू फोर प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था तो उसको राजू काज, एक कुछ अधिकारी था राजू काज, और उसको जो मदद करता था असिस्टेड बाय हु वाज दिस युक्ताज, तो युक्ताज उसको असिस्ट करता था उसके काम में, राजू काज को युक्ताज। देन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करोगे तो विलेज लेवल पर वह ग्रामीणी था, ग्रामीणी, और इसको हेल्प्ड बाय गोपा, तो गोपा और ग्रामीणी और यह राजूकाज एंड युक्ताज, ओके तो ये दो एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की दो स्टेप्स थे आप याद रह सकते हैं। और थोड़ा सा बात करेंगे आर्ट और कल्चर की, तो यहाँ आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो लेट्स सी कि इस टाइम में स्टोन का यूज काफी अच्छी तरह से शुरू था, ओके सो आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट द स्टोन्स, ओके अच्छी तरह से यू नो वेरी पॉलिश्ड, ओके जो भी चीजें बना रहे थे इस समय की तो वो हाईली पॉलिश्ड होती थी, बहुत अच्छी तरह से उसे पॉलिश वगैरह करके जो है तो बनाया जाता था। इसी के साथ आपको आप सारनाथ पिलर देखने को मिलेगा वेयर बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन,
तो उस पिलर को भी बंधा हुआ है, काफ़ी हाइट है, आप गूगल पर उसकी इमेज सर्च कर सकते हैं। तो सारनाथ पिलर भी आपको वहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ रिंगवेल स्ट्रक्चर, ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे बर्न्ड ब्रिक्स टू मेक स्ट्रक्चर एंड रिंग वेल्स। तो कुछ ऐसी रिंग जैसी दीवारें उस समय बनाई हुई थी, कि रिंग जैसा कुछ लिख इस दिस काइंड ऑफ, तो अभी तक बर्न, ओके, तो कुछ इस तरह से जो है तो बर्न ब्रिक्स हुआ करते थे, ओके, तो ईटे, वैसे हम ईटा कहे ईटे कहेंगे। तो यह आपको ये सर्कल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ सर्कल में जो है तो दीवारें कुछ बनी हुई मिलती है और वेल्स भी हमको यहाँ सर्कल में मिलते हैं। तो गाइज, दीज वेर द सम थिंग्स दैट वेर इम्पोर्टेंट इन एज ऑफ मौर्यंस। तो अशोक सब में इम्पोर्टेंट किंग यहाँ का था, और बाकी तो सब हमने यहाँ पे शॉर्ट में और अच्छी तरह से ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड, ओके, तो इसमें के पॉइंट भी यहाँ कवर किए। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, और आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए एंड राइट योर व्यूज अबाउट वीडियो इन कॉमेंट सेक्शन। सो गाइज, थैंक यू, सी यू वेरी सून।